चाहे कोई त्यौहार हो या फिर ऐसे ही गुजिया खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि खस्ता मावा गुजिया बनाने का मैंने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। इससे बहुत ही आसानी से आप मावा गुजिया बना पाएंगे और इसे बहुत दिनों तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से मावा गुजिया को जरूर ट्राई करें, जो रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल आयांस किचन में। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डो बनाना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी से गुजिया बहुत ही खस्ता बनता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है, तो यहाँ पे देसी घी ही डालें। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, आप देख सकते हैं मुट्ठी बांधने पर थोड़ा सा ये बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें हमें मोयन नहीं डालना है, यानी घी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है। तो ये हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी का यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक डो तैयार कर लें। और यहाँ पे जो डो है ये हमें थोड़ा टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइट डो है, तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी डाला है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है मावे में, तो यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया। आप देख सकते कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, यहाँ पे मैंने इसे साइड में रख दिया है। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे मावा, तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है और ये घर का बना हुआ मावा है। अगर आपको भी घर पे मावा बनानी है तो उसकी भी मैंने रेसिपी दी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। मावे को हमें अच्छे से लो फ्लेम पर भून के सूखा करना है, तो इसे भून लें अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा एक साथ इकट्ठा हो रहा है, यानी हमारा मावा अच्छे से भून गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, बस हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि ये अभी ठंडा होने पे और भी सूखा होगा। तो यहाँ पे इस बर्तन में हम मावा भी निकाल लेंगे, इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था पहले, और जब ये ठंडा हो गया तब हम इसमें मिक्स करेंगे। मावा जब गर्म होगा तो कढ़ाई में से हमें किसी एक प्लेट में निकाल लेना है, जिससे मावा अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे नारियल के बुरादे के साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका स्टफिंग बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिया है, हमें यहाँ पे पिसी हुई चीनी का ही यूज़ करना है, तो इसमें हम चीनी को डाल देंगे। चीनी को ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी अभी बचा लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बट अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और जो चीनी का पाउडर बचा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1 कप पाउडर शुगर डाला है, यानी चीनी का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग स्टफिंग बनके तैयार है। आप इसे ऐसे टेस्ट करेंगे तो ऐसे ही खाने का मन करेगा। बट हमें इसका गुजिया बनाना है, तो चलते हैं डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है और अब हम डो को एक बार अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। इस तरीके से हम मसलते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जिससे जो डो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लिया है, डो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, यानी कि हमें लोई बनानी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लोई नहीं बनाना, जितना हम पूड़ी बनाने के लिए लोई लेते हैं बस वैसा ही हमें बनाना है। तो इसी तरीके से हम सारे लोई को बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बना लिया है, तो ये लीजिए मैंने सारे लोई को बना लिया है। अब हम चलते इसे रोल करने के लिए, यानी कि बेलने के लिए। तो एक लोई लेंगे और इसे सूखे मैदे में थोड़ा सा कोट करेंगे और इस तरीके से हम रोल कर लेंगे, जैसे नॉर्मली पूड़ी या रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही। और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे रोल कर लिया है, अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बस ऐसी होनी चाहिए जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पूड़ी बना ली है। अब हम चलते हैं गुजिया बनाने के लिए। आज मैं गुजिया मोल्ड में बनाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बट अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तब भी आप गुजिया बना सकते हैं। बिना मोल्ड के गुजिया कैसे बनाएं उसकी भी रेसिपी मैंने दी हुई है। उस बारी मैंने चाशनी वाली गुजिया बनाई है, वो भी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब बनता है, आप उसे भी बना सकते हैं। तो आप उसे जाके देख सकते हैं कि बिना मोल्ड के गुजिया कैसे बनाएं। बट अगर आपके पास मोल्ड है तो इस तरीके से बना सकते हैं। पूड़ी को मोल्ड पर रखना है।
और इसे रखने के बाद हल्के हाथों से हमें दबाते हुए इसे थोड़े से कटोरी जैसा शेप देना है। और अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, तो इसमें स्टफिंग खूब सारी डालनी है। गुजिया में भरी भरी स्टफिंग ही अच्छी लगती है, ज़्यादा स्टफिंग बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग भर दिया है। अब हम इसके किनारों पे पानी लगाएंगे, तो इस तरीके से सब तरफ पानी लगा देना है। और पानी लगाने के बाद हम इसे अच्छे से बंद करेंगे। तो पहले पानी लगा लें और इस तरीके से केयरफुली हमें बंद करना है और अच्छे से हमें दबा देना है, सब तरफ अच्छे से दबाना है जिससे गुजिया अच्छे से साइड से बंद हो जाए और ऑयल में जाने के बाद खुलने का कोई चांस ना रहे। अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा पूड़ी है ना, इसे निकाल के अलग कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से फिर से दबा लेंगे। और ये हमारा एक गुजिया बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से हमें सारे गुजिया को बना लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनके तैयार हो जाता है और इसे आप आसानी से मार्केट से ला सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो बस हमें पहले पूड़ी रखनी है, बीच में स्टफिंग डालनी है। तो यहाँ पे खूब सारी स्टफिंग डाल देनी है, उसके बाद साइड में हम फिर से पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से बंद करना है और साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें इसे अलग कर लेना है। और ये हमारा दूसरा भी गुजिया बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे गुजिया को बना लेंगे जितना भी हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 6-7 गुजिया बना लिया है। इसे हम चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल पहले ही रख दिया है गर्म होने को, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें तेल को गर्म करना है। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें गुजिए को डाल देंगे जितना स्पेस होगा। और जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा फ्राई होगा हम इसे पलट देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं आपको एक गुजिया दिखाती हूँ, ये देखिए फटने जैसा हो रहा है। तो इसे हम पहले ही निकाल लेंगे, नहीं तो इसका सारा मावा बाहर आ जाएगा और पूरा तेल ख़राब हो जाएगा और सारे गुजिए में चिपक जाएगी। तो ये ध्यान देना है आपको, अगर एक साइड से फटने लगता है तो इसे पहले ही निकाल देना है, उसे हम लास्ट में फ्राई कर लेंगे। और बाकी को हम ऐसे ही उलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे हमें देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल में फ्राई करना है। तो बस इसे पलटते रहे और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसे मीडियम में हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने गुजिया को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता हमारा गुजिया बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता गुजिया बनके तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी भी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा खस्ता मावा गुजिया बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और आपने देखा ही बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप इस तरीके से एक बार मावा गुजिया ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।